आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर टेक्निकली बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्चुअल में मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो कहीं पर भी अगर इसकी बात की जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो अंडरस्टूड है हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो बातें आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं देखिए, फर्स्ट है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है ओनली इन टर्म ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात तो आपको ये नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है डिफाइंड ओनली इन टर्म ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म में ही डिफाइंड होती है। अगर कहीं पर भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो देर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या होता है ये आपने प्लस वन में पढ़ा होगा। देखिए दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तब कहलाएगा जब उसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना हो, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करे, ऐसा फोर्स उसके द्वारा किया गया वर्क डन तो हम उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि इस फोर्स ने वर्क किया है, एक बार तो यहां से उठा के यहां लेके गया इस रास्ते से, एक बार इस रास्ते से लेके गया और एक बार इस रास्ते से लेके गया किसी भी पार्टिकल को। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, तीनों का सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो रास्ता चाहे अलग अलग बेशक हो, पाथ बेशक अलग अलग हो, तो सबका वर्डन क्या आएगा, सेम आएगा, तब ये फोर्स कहलाएगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यहां का वर्डन मान लिया डब्ल्यू वन है, यहां का W2 है, यहां का W3 है, तो अगर तो W1 is equal to W2 is equal to W3 ऐसा है तो ये फोर्स होगा आपका कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल होते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए लगे लगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता देते हैं। नॉन
कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से फोर्स होते हैं भैया? वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर वो डिपेंड हो, उसके द्वारा किया गया वर्क डन, तो वो फोर्स कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल होंगे इसके फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपने सुना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जाम्पल है आपका नॉन कंजर्वेटिव का। और एक टाइप का और फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो भी एक किस्म का विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया एक फोर्स है, वो एक पार्टिकल को उठा के यहां से यहां लेके आया, एक बार तो इस रास्ते से उठा के लेके आया, एक बार इस रास्ते से उठा के ले गया और एक बार इस रास्ते से उठा के ले गया। पाथ अलग अलग है तो वर्क डन भी अलग अलग आए, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट हो गया ना। पाथ अलग है तो वर्क डन भी अलग, मतलब W1 not equal to W2 not equal to W3। अगर ऐसा है तो ये जिस भी फोर्स ने वर्क किया है वो फोर्स होगा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, आई होप ये आपको आती होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए सबसे पहले मेन चीज मैंने क्या बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड है ओनली इन टर्म ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसको साफ कर देते हैं, एक बात तो ये आपको नोट कर लेनी है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है, वो एसोसिएटेड है किसके साथ? सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कभी भी सिंगल चार्ज पार्टिकल की पॉसिबल नहीं हो पाती, हमेशा किसकी होगी? एक कॉन्फ़िगरेशन की होगी, कोई चार्ज पार्टिकल कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक सिस्टम होगा उसके साथ एसोसिएट होगी। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑलवेज एसोसिएटेड विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होगी पार्टिकल्स की उसके साथ ही एसोसिएट होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाती। कभी कभार हम ऐसे बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ऑफ ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए कभी कभार हम ये बोल देते हैं, मान ली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है क्यू नॉट, और हम ये बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। एक्चुअल में हम क्या बोल रहे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कौन से सिस्टम की चार्ज, कौन से सिस्टम की पोटेंशियल हम बोल रहे होते हैं? जिस सिस्टम के अंदर वो चार्ज आते हैं, जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, प्लस में जो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, वो सारे के सारे चार्ज का जो सिस्टम होता है उस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे होते हैं, इस सिंगल चार्ज पार्टिकल की हम बात नहीं कर रहे होते। बस तो आपको एक बात नोट करनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एसोसिएट है सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ। तो ये दूसरी बात आपको नोट करनी है रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा जो थर्ड आपको नोट करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। जैसा भी आपने रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन चूज की है उसके अकॉर्डिंग ही आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
तो ये थर्ड पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यूजली जो हम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन जो सेलेक्ट करते हैं ना, यूजली हम जो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम हम जो सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, जिसके अंदर चार्जेस है ना, जो जिस सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लेते हैं रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन हम यूजली कौन से लेते हैं, चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जिसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट होते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लेते हैं रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर एक नोट करने की बात क्या है कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन की हम जो पोटेंशियल एनर्जी हम लेके चलते हैं वो हम जीरो मान के चलते हैं। यूजली दिस टाइप ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम उसको जीरो लेके चलते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, इसको नोट कर लें। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो भी आपको नोट कर लेनी है कि जो वर्क है, अगर हम वर्क की बात करें कि हम बोलें कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, या फिर सीधा बोल दें वर्डन ऑन द सिस्टम, तो जब भी हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो जो वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब यहां पे आपको नोट करना है, फोर्थ पॉइंट में नोट कर सकते हो, वर्क का मतलब होता है ट्रांसफरिंग एनर्जी, कि वर्क एक मोड है जिसके अंदर हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मतलब जहां कहीं भी अगर वर्क होने लग रहा है तो इसका मतलब क्या लग रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ये मतलब होता है वर्क का। इसके अंदर एक चीज आपको नोट करनी है, अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर, देखो हम किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। मान लें कि हमने इसके ऊपर वर्क किया तो इसका मतलब क्या है, हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और तो ये एनर्जी है ये सिस्टम के अंदर दो तरीके से आ सकती है, या तो यूज हो सकती है यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर स्टोर्ड हो सकती है इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ बेसिक हैं जो आपको आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर कि व्हेनेवर वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस वी सप्लाई एनर्जी, तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं टू द सिस्टम और यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी, विच इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी और स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई जो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर तो उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी या तो यूज होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या फिर स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में।
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बात थी जो आपने नोट करनी है भैया, फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद इन पॉइंट के डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, और दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं इनफाइनाइट। तो एक ऐसा सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम उस सिस्टम को असाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाली फोर्स लग रही है, जो कि कैसी फोर्स है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मतलब इस सिस्टम को भी हम असाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने असाइन कर दी इस सिंबल से, कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे और इन पार्टिकल्स को इनफाइनाइट से उठा के नजदीक लेके आएंगे। किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से वर्डन करना है सिस्टम के ऊपर, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब इन पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा कि हम तुम एक्सटर्नल फोर्स को कितना लगाएं, वो उतना लगाएं जितना की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला फोर्स है ना उसको जस्ट काउंटर बैलेंस करे, ताकि जो नेट फोर्स है सिस्टम के ऊपर वो कितनी रहे, जीरो रहे। बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव करके हम लेके आना है, वो तभी पॉसिबल है जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल हो भैया, ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, इंटरनल जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके इक्वल और उसके अपोजिट हो। तो जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर वो जीरो होगा, या फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। तो जो सिस्टम के ऊपर हम वर्डन करेंगे वो कैसे कर पाएंगे, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो हम पार्टिकल को उठा के यहां से यहां ले आए, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सिस्टम का, अब कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, आर मान लिया। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ये थी, इतनी थी, हमने कितनी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दी, जितना हमने वर्डन किया है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इतनी एनर्जी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इंक्रीज होने के बाद इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमने मान लिया वो UR होगी। तो पहले इतनी थी, इतनी एनर्जी ऐड कर दी, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, वो होगी UR। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आ गया, फाइनल में से मैं इनिशियल माइनस कर दूंगा, तो ये UR माइनस के U इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आया वो किसके इक्वल आया, जितना भी हमने वर्डन किया है ना उसके इक्वल आया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को हम एक तरीके से और समझ सकते हो, देखिए हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहां पे निकाल रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपने देखा वो किसके इक्वल आया, जितना भी सिस्टम के ऊपर आपने वर्णन कर दिया उसके इक्वल आया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया उसके इक्वल। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हो, किस तरीके से,
केमिकल्स को यहां से यहां लेके आ रहे हो तो इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। भाई फोर्स इस तरफ लग रहा है और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो कैसा वर्डन करने लग रहा है, वो नेगेटिव वर्डन करने लग रहा है। लेकिन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो लग रही है, इंक्रीज होने लग रही है। तो आपने एक चीज और नोट करनी है कि जब भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्डन करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्डन करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये दो लाइन आप नोट कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। और अगर तो इफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी भैया, डिक्रीज होगी। सीधा सा मतलब है, अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल पुट करना है, किसका वर्डन, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन, तो जितना भी वर्डन किया है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दें तो उस वो वर्डन को हम इक्वल पुट कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है भैया, इतनी हुई है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्डन किया, मान लिया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने इतना वर्डन किया है तो उसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कब पुट कर सकते हैं, अगर उसके हम नेगेटिव साइन लगाएं, क्योंकि उल्टी चीज है भैया, जब वो नेगेटिव वर्डन करता है तो इंक्रीज होती है और पॉजिटिव वर्डन करता है तो डिक्रीज होती है। तो जितना भी वर्डन करे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएं तो हम उसको इक्वल पुट कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम किसके इक्वल है, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्डन किया है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पे एक चीज और नोट कर लेंगे आप, जो पहले हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी, जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना था, इनफाइनाइट था, अगर उस सेपरेशन के अंदर, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने मानी थी वो अगर जीरो मान ले, जैसे कि पिछले पॉइंट्स में मैंने डिस्कस किया था कि हम एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसी रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट होता है, उसको हम क्या मानते हैं, रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। और यूजली उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो जो पहले सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थी अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लें, जीरो मान लें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बड़ी है सिस्टम, जो ये सिस्टम है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तब कितनी होगी, यहां पे जीरो पुट करेंगे और यहां पे जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा, यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए बड़ी सिंपल चीज है, पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इतनी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, अगर वो जीरो मान लूं, पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी अगर उसको जीरो मान लूं तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी और ये हो जाएगी भैया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू आर। सीधा सा मतलब है, अगर आपको इस सिस्टम की, मान लिया ये सिस्टम है और इस सिस्टम की ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है तो आप क्या बोल सकते हो, भाई जितना भी वर्डन करना पड़े एक्सटर्नल फोर्स ने उन पार्टिकल्स को असेंबल करने में, यहां तक असेंबल करने में, इनफाइनाइट से यहां तक असेंबल करने में जितना वर्डन करना पड़ेगा वही वर्डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर आप ये बोल सकते हो जितना भी वर्डन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव
ग्रेविटी फोर्स जितना भी करेगा वो भी क्या किसके इक्वल है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी किसकी, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो चेंज है, स्टार्टिंग आपने जीरो मान लिया, एक्चुअल में तो चेंज ही, वो इंक्रीज कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, या फिर ये मान लें कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम की पोटेंशियल कितनी होगी भैया, इतनी होगी जितना आपने वर्णन किया है। तो ये है डेफिनेशन, इनके बेस के ऊपर हम बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल था, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और यही चेंज किसके इक्वल है, वर्डन नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो उसके इक्वल है। तो एक्चुअल में चेंज यहां पर हमने जीरो पुट कर दिया था, ये किसके इक्वल आ गया था, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये स्टेटमेंट। मतलब आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की, मान लिया ये कॉन्फ़िगरेशन है Q1 और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लिया R, तो आपसे पूछे इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मतलब सीधा सा मतलब क्या है, इस सिस्टम को असेंबल करने में पहले क्या पार्टिकल्स क्या था, इनफाइनाइट के ऊपर थे, इनफाइनाइट से उठा के सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन के में लेके आने में जितना भी एक्सटर्नल फोर्स वर्णन करेगा वही उस सिस्टम की उस कॉन्फ़िगरेशन की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर आप ये मान सकते हो नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या क्या डेफिनेशन बनेगी आप लिख सकते हो, सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, जितना भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा उसका अगर नेगेटिव साइन लगाएंगे, जितना भी वर्डन इंटरनल कंजर्वेटिव वर्क करेगा उसका अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो उसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो नेगेटिव किसका, वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जो ये लाइन लिखी है ना ये वाली, इसको मैंने सिर्फ लिखा है, इसको बस ये मैथमेटिकली फॉर्म है, इसको मैंने बस इसको लिखा है, डिफाइन कर दिया है। मैंने बोला था आपको कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जितना ही वर्क डन करता है अगर उसके नेगेटिव साइन लगा दे उसके आगे तो हम उसको किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यही लाइन लिखी है नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो रही है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इज इक्वल टू दी वो भी क्या है, एक्चुअल में चेंज ही है भैया, पहले जितनी एनर्जी थी अगर जीरो है तो सीधा सा मतलब जितना वर्डन करेंगे वो सिस्टम उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी हो जाएगी, अगर पहले कुछ एनर्जी मान लें तो एक्चुअल में तो क्या है, चेंज ही निकल के आएगा। तो वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आपकी डेफिनेशन बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, तो इनको नोट डाउन कर ले। उसके बाद
हम आपको कराएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। इसके अंदर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि भाई जी सिस्टम को असेंबल करने में, पहले सिस्टम क्या था, पार्टिकल्स कहां थे, इनफाइनाइट के ऊपर थे, उसको असेंबल करने में जितना भी वर्डन आपको करना पड़े वही वर्डन उस सिस्टम की, उस कॉन्फ़िगरेशन की जो आपने बनाई है उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप क्या लाइन लिख सकते हो, एक डेफिनेशन और बना सकते हो, वर्क डन इन असेंबलिंग दिस सिस्टम, असेंबलिंग दिस सिस्टम इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी जिस भी कॉन्फ़िगरेशन की आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे सिस्टम की, इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्डन आप कैसा कर रहे हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कर रहे हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या फिर इंट्रैक्शन बोल सकते हो आप, is equal to the potential energy of the system, of system. ये definition आप note, ये भी note कर सकते हो। तो इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद हम करवाते हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, एक Q1 जो फिक्स है और दूसरा R1 डिस्टेंस के ऊपर मान लेते हैं Q2 चार्ज पार्टिकल। पहले कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहां ले आऊंगा, कितनी सेपरेशन होगी इसकी, R2 होगी। तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी सिस्टम की उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी मान ली, R1 मान ली। अब कितनी होगी, अब होगी R2, ये वाली होगी। तो चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा UR2 माइनस के UR1। और चेंज किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इस स्टेटमेंट को लेते हुए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम। तो देखिए हमने R1 से R2 तक लेके आना है, तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट मान लेते हैं R सेपरेशन के ऊपर, जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कर देते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे होता तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता, उसके ऊपर फोर्स लगता इतना, F = K Q1 Q2 / R2, इतना फोर्स लगता। और ये चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया यहां पे रखा है, इसके ऊपर मैंने फोर्स डिफाइन कर दिया इतना। जब ये चार्ज पार्टिकल dr डिस्प्लेसमेंट करेगा तो छोटा सा वर्डन होगा भैया, किसके द्वारा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो कितना वर्डन होगा, वो dw बने वर्डन मान लिया, dw = F.dr। अब वैसे तो फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स भी वेरिएबल होगा, लेकिन मान लेते हैं कि जो dr डिस्प्लेसमेंट है इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है कि उसके दौरान जो फोर्स है वो रिमेन कांस्टेंट है, वो वेरी ना कर नहीं कर रहा है। तो इतने डिस्प्लेसमेंट के दौरान मैंने वर्डन निकाल लिया इतना। अब कंप्लीट वर्डन निकालना मेरे को, यहां से यहां तक का वर्डन निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब टोटल वर्डन, इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कहां से कहां इंटीग्रेशन, R1 से R2, तो R1 से R2 तक कर देंगे इंटीग्रेशन।
अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो डॉट को रिमूव करके कोस जीरो आ जाएगा, कोस जीरो के वैल्यू वन, तो यहां पे आ जाएगा एफ इंटू में डी आर। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे और जो कॉन्स्टेंट चीजें वो बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास जो डब्ल्यू आएगा वो आएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू में डी आर, और कहां से कहां आर वन से लेके आर टू तक, ये चीजें कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएंगी, तो W इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन वन बाई आर स्क्वायर का डी आर के रिस्पेक्ट में, कहां से आर वन से आर टू। अब वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा डी आर के रिस्पेक्ट में, माइनस के वन बाई आर आएगा, तो W हो जाएगा हमारे पास के क्यू वन क्यू टू और ब्रैकेट में आएगा माइनस के वन बाई आर, और कहां से कहां आर वन से लेके आर टू, ये हमारे पास वर्णन आएगा। अब मैंने आपको बताया था, चलिए अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2, नेगेटिव साइन यहां लगा ले इस नेगेटिव साइन को, तो फाइनल लिमिट क्या है 1 बाय R2 माइनस के लोअर लिमिट माइनस के 1 बाय R1। इतना वर्णन करेगा कौन, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके आने में, मतलब पहले कॉन्फ़िगरेशन ये थी अब कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, तो इस दौरान जो वर्डन किया है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने, वो कितना वर्डन किया है, इतना वर्डन किया है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है जितना भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्डन करे अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दें तो हम उसको इक्वल पुट कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो इतना वर्डन किया इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दें तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ जाएगा पॉजिटिव, तो इसको इक्वल पुट कर सकते हैं इसके, इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा k q1 q2 और 1 by r2 minus k 1 by r1। इतनी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ जाएगा, मतलब पहले कॉन्फिगरेशन ये थी अब ये है, तो कितना चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इतना चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो अगर मैं ये जो स्टार्टिंग वाला ये डिस्टेंस था जो आर वन माना है मैंने, मतलब क्यू टू को मैंने कहा माना आर वन माना, अगर इसको मैं कहा मान लू इनफाइनाइट के ऊपर मान लू, और जो आर टू है इसको मैं क्या मान लू आर मान लू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उठा के कहां लेके आने लग रहा हूं आर के ऊपर लेके आने लग रहा हूं, तो इनफाइनाइट की जब सेपरेशन होती है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं, तो पहले इस एनर्जी कितनी थी जीरो थी, अब जितना भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका नेगेटिव वो क्या होगा, वो जितना बर्डन होगा वो क्या होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पहले कितनी थी जीरो थी, जितना भी हमने ऐड कर दी वही सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हो वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भैया। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर R1 को हम इनफाइनाइट ले लें तो सीधा सा मतलब है U R1 है वो कितनी हो जाएगी भैया जीरो हो जाएगी, और R2 को मान ले आप R मान ले तो मतलब U R हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम मान ले U मान ले कि भाई जब हम क्यू टू को इनफाइनाइट से उठा के R डिस्टेंस के ऊपर लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ले उसकी हम यू मान ले, तो पहले जीरो एनर्जी थी अब कितनी ऐड कर दी आपने नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स उतनी ऐड कर दी, तो वही जो एनर्जी होगी वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो सीधा सा मतलब है इसके अंदर यू आर वन की वैल्यू कितनी होगी जीरो, यू आर टू कितना हो गया यू हो गया, यहां पे वन अपॉन आर वन, आर वन कितना है इनफाइनाइट, तो वन बाय इनफाइनाइट जीरो, R2 को क्या पुट कर दिया आपने R पुट कर दी, तो इसी इक्वेशन में हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसकी जगह अब हमने पुट कर दिया U, यहां पे 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू K Q1 Q2 और ये 1 अपॉन इनफिनिटी 0 और ये आ गया R 1 अपॉन R और इसको लिख लिया इसके नीचे डिवाइड बाय R, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। सीधा सा मतलब क्या है, अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है एक Q1 और एक Q2 और उनके बीच का सेपरेशन है R, तो आपसे पूछे उस कॉन्फ़िगरेशन की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास ये K Q1 Q2 डिवाइड बाय R,
और इसका मतलब क्या है, ये पहले पार्टिकल कहां थे, इनफाइनाइट के ऊपर थे, और इनफाइनाइट से आपको यहां तक लेके आने में जितना भी वर्णन किया है वही वर्णन इस सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो हमने निकाला है ऐसे। तो वेरी वेरी सिंपल आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछे कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो आप फार्मूला लगाएंगे ये। तो ये था भाई आपका आज का आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।